जहां एक तरफ लॉकडाउन के चलते सभी के कामकाज ठप हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के वीआईपी घाट भी अब सुनसान है। 400 से 500 लोग लगातार वीआईपी घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचते थे, वहीं आज 4 से 5 लोग ही देखने को मिले। जब हमारी संवाददाता अर्चना ने प्रवासियों से बात की तो प्रवासियों का साफ तौर पर कहना था कि अब से 4 महीने पहले हम आए थे तब बहुत ज़्यादा मन लग रहा था, लेकिन आज हम यहाँ पर आए तो सिर्फ 3 या 4 लोग ही हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसके चलते अब हमारा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। दिल्ली प्रवासियों ने बताया, हम यहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे लेकिन हमारा अब यहाँ पर मन नहीं लगने के चलते हम आज ही दिल्ली वापस चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के बीच में जो भी कदम उठाए हैं वो बहुत अच्छे हैं। दुकानें तो बाद में भी खुल जाएंगी, अगर हम सही सलामत रहे तभी हमारा जीवन है। अकेले ही आना पड़ रहा है। पहले तो बहुत अच्छा हुआ करता था, सबके सब मिलते थे, सबके सब नहाते धोते थे, साथ में रौनक रहती थी। अब कोई ना कोई खाली माहौल चल रहा है, इस बीमारी ने ऐसा हाल कर दिया। पर यह कि कभी ना कभी तो बीमारी जाएगी, कभी ना कभी फिर एक साथ सब जाएंगे, फिर नहाएंगे, फिर साथ में रौनक आएगी। सर आप कहाँ से आए? मैं रुड़की से आया। मैं आप पहले भी आते थे यहाँ पे? आते रहते हैं। आज आपको कैसा इस महामारी के उसमें दौर पे यहाँ की कैसा लग रहा है? पहले अच्छा लगता था या अब अच्छा लग रहा है कि हाँ? पहले भीड़ भाड़ होती थी, अब कोई है नहीं। अच्छा, पहले भीड़ भाड़ होती थी, अभी आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। खुला वातावरण है, खुला है, ना ज़्यादा पब्लिक नहीं है, वैसे कोरोना का चल रहा है। मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? हाँ जी, भूपेश शर्मा नाम। भूपेश शर्मा जी, मैडम आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? पहले भी आप आ चुकी हैं हरिद्वार में? बहुत सारी आ चुकी हैं। अभी आपको पहले और अब में क्या फर्क लग रहा है? साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पॉल्यूशन नहीं है, कहीं कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ है, बढ़िया है। रुड़की से आए हुए? मैम आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? स्नान के लिए। अच्छा अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस समय कोरोना महामारी के चलते यहाँ पे आए हुए हो तो? अच्छा लग रहा है, यहाँ कोई भीड़ भाड़ या कुछ?